please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। दोपहर के 2 बज रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे बिहार बोर्ड की करतूत की खबर के साथ। बिहार बोर्ड इस बार भी परीक्षा रिजल्ट को लेकर सुर्खियों में है। नंबरों में गड़बड़ी को लेकर बिहार बोर्ड की फजीहत हो रही है। अब तो ऐसे कई मामले सामने आ गए हैं जिसमें कई ऐसे होनहार छात्रों को फेल कर दिया गया है जिन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में शानदार सफलता मिली है। रविवार होने के बावजूद कई छात्र बिहार बोर्ड के दफ्तर पहुंचे। ये छात्र परीक्षा की स्क्रूटनी का आवेदन देने के लिए पहुंचे थे। छात्रों का यहां तक आरोप है कि बोर्ड की वेबसाइट ही काम नहीं कर रही, इसलिए वो ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़ी खबर बिहार बोर्ड के नतीजों को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में है। बिहार बोर्ड, कई ऐसे छात्रों को फेल कर दिया गया है जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छे नंबर हासिल किए हैं। 12वीं की परीक्षा में कई होनहार छात्र बिहार बोर्ड में फेल हो गए हैं। इनमें वो छात्र भी शामिल हैं जिन्होंने IIT और नीट का एग्जाम क्लियर कर लिया है। बिहार बोर्ड की 12वीं नतीजों पर एक बार फिर उठ रहे हैं सवाल। प्रतियोगी परीक्षा में पास होने वाले छात्रों को भी फेल कर दिया गया है। 67% नंबर लाने वाला छात्र भी फेल हो गया है। नीट क्लियर कर चुके छात्र सुमित कुमार को बिहार बोर्ड ने फेल कर दिया है। सुमित को केमिस्ट्री की थ्योरी में 35 में से 5 नंबर मिले हैं और ऑब्जेक्टिव में 35 में से 8 नंबर, जबकि सुमित कुमार को नीट में केमिस्ट्री में 180 में से 121 नंबर मिले हैं। सुमित ने CBSE से हाई स्कूल की पढ़ाई की है जिसमें सुमित को 10 CGPA मिला था, लेकिन सुमित को बिहार बोर्ड ने केमिस्ट्री में ही फेल कर दिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बिहार बोर्ड जो पिछले 3 साल से लगातार सवालों के घेरे में है, 2 साल टॉपर घोटाले का दंश झेलने वाला बिहार बोर्ड लगातार तीसरे साल अपने रिजल्ट को लेकर सवालों के घेरे में है। इस वक्त हम पटना में बिहार बोर्ड के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ छात्र हैं जिनके रिजल्ट में शिकायतें आई हैं। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, हालांकि विद्यालय समिति के अंदर काम चल रहा है, लेकिन जो छात्र हैं इन्हें अंदर नहीं जाया जाने दे रहा, इनकी शिकायतें हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुमित कुमार उत्तम। सुमित कुमार, ये बताइए कि आपने बोर्ड का एग्जाम दिया था, कितने सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं या क्या आपकी शिकायत है? एक ही सब्जेक्ट में फेल हुए, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, जिसमें हमको थ्योरी में 5 मार्क्स दिया गया है 35 में, जिसमें हम लिखे थे 32 मार्क्स का, और ये ऑब्जेक्टिव में भी हमको कम मार्क्स मिला है, जहाँ की ऑब्जेक्टिव OMR सीट पे हुआ था इस बार, फिर भी कम मार्क्स मिला, पता नहीं कहाँ गलती हुई। 35 में से 5 नंबर मिले, 35 में 5 और एक में 8 मिला है, और इतना ऑब्जेक्टिव में 8 मिले। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव में 8 नंबर मिले हैं। और मेरा नीट का काउंसलिंग अभी हाल में ही स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें हम फॉर्म भर भी नहीं सकते क्योंकि रिजल्ट फेल है। नीट की काउंसलिंग कब से शुरू है आपकी? शायद 13 से शुरू होने वाली है। रैंक कितनी है आपकी? 16,000 के पास है, यही 16,569। मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँ कि सुमित कुमार ने नीट का एग्जाम दिया था जिसमें उनकी 16,569 रैंक है उनकी, और इसमें मैं केमिस्ट्री के आपको नंबर दिखाऊं कि 180 में से 121 नंबर इन्होंने नीट के एग्जाम में, जो कि देश में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए सबसे बड़ा एग्जाम होता है, उसमें इन्होंने केमिस्ट्री में 180 में से 121 नंबर लाए। लेकिन बिहार बोर्ड का मैं आपको यहां पर रिजल्ट दिखाऊं कि बिहार बोर्ड की थ्योरी के एग्जाम में इनको केमिस्ट्री में 35 में से सिर्फ 5 नंबर और ऑब्जेक्टिव में 35 में 8 नंबर दिया गया है, और यही वजह है कि ये केमिस्ट्री में फेल हो गए। तो सुमित कुमार का दर्द आपने देखा, नीट का रिटन एग्जाम क्लियर किया, केमिस्ट्री में अच्छे नंबर भी मिले, लेकिन काउंसलिंग के लिए कैसे जाएंगे ये नहीं जानते क्योंकि बिहार बोर्ड में वो फेल हो गए हैं केमिस्ट्री में। संदीप राजभर को कुल 500 में से 336 अंक मिले हैं, लेकिन 67.2% अंक मिलने के बावजूद संदीप को अंग्रेजी की थ्योरी में 0 नंबर दिया गया। संदीप का दावा है कि उन्होंने बिहार बोर्ड की 10वीं में 72% अंक लाए थे, लेकिन 12वीं के नतीजों पर उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? जी संदीप कुमार राजभर। ये क्या शिकायत है आपकी? जी मेरा शिकायत यह है कि हम जो इंटरमीडिएट का एग्जाम जो वार्षिक एग्जाम दिए थे 8 विषय से दिए थे, उसमें मेरा कुल मिलाकर 336 नंबर यानी कि 67% मेरा नंबर आया है, लेकिन मैंने इंग्लिश का जो 50 नंबर का पेपर होता है उसमें मेरा थ्योरी में एक भी नंबर नहीं मिला है सर, जिसके वजह से 336 नंबर लाने के बावजूद भी मेरा पेपर में फेल लिख दिया है सर,
इसके कारण मैं बीए में एडमिशन नहीं करा सकता। दसवीं में आपको कितना परसेंट आया था? 72% आया था सर। जी हाँ सर, जी बिहार बोर्ड से थे। मैं दर्शकों को दिखाऊं कि दसवीं से इन्होंने 72% के साथ पास किया है, लेकिन बारहवीं में 336 नंबर आने के बावजूद, ये देखिए 336 नंबर इनके कुल क्रमांक आए हैं, लेकिन अंग्रेजी की जो थियरी का जो इनकी परीक्षा थी उसमें इनको 0 नंबर दिया गया है, ऑब्जेक्टिव में इनको 8 नंबर दिया गया है। ये बताइए कि आपने फिर अभी तक स्क्रूटनी के लिए आवेदन दिया है? सर, स्क्रूटनी का जो वेबसाइट है उस पर कोई मतलब खुलने का चांस नहीं, इसलिए कि जो शायद वेबसाइट दिया है सरकार ने उसमें कुछ गलत है सर, त्रुटि है जिसके लिए खुल नहीं रहा है, इसलिए हम फॉर्म आगे का अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं सर। नीलेश कुमार बारहवीं में लगातार दूसरे साल फेल हुए हैं। इस साल वो 3 विषयों में फेल हुए, जबकि पिछली बार आईआईटी मेंस निकालने के बावजूद बोर्ड ने उन्हें फेल कर दिया था। उन्होंने स्क्रूटनी के लिए आवेदन भी दिया लेकिन बोर्ड ने नो चेंज बोलकर फेल घोषित कर दिया। आपका क्या नाम हुआ? नीलेश कुमार। नीलेश जी, बताइए क्या शिकायत है आपकी? सर, मेरा सर ये शिकायत है कि मेरा 3 गो में क्रॉस लग गया सर। पिछला बार भी मैंने यहाँ पे कंप्लेन किया था तो कोई रिस्पांस नहीं, नो चेंज लिख के भेजा गया था। पिछली बार भी आपने 12वीं का एग्जाम दिया था सर, और नो चेंज अभी पिछला बार मेंस का मैंने निकाला था सर, मेरा अच्छा रिजल्ट था मेंस का, 122 नंबर था सर मेंस मेरा। यस सर आया था और कुछ रिस्पांस नहीं हुआ सर, तो इसलिए मैं फिर एग्जाम दिया कि सर अगला बार हो जाएगा, इसलिए मैं मेंस का फॉर्म नहीं भरा कि कहीं अगला बार भी वही हाल होगा, इसलिए मेंस का मैं इस बार फॉर्म नहीं भरा सर। और फिर सर इस बार देखता हूँ तो 3 बार फेल है, 3 क्रॉस विषय में फेल। सर फिजिक्स में, इंग्लिश में, अल्टरनेट इंग्लिश में तो मेरा सर ज्यादा होना चाहिए, उसमें फेल कर दिया है सर। और फिर मैथ में है सर, मैथ में 13 नंबर ऑब्जेक्टिव में दिया, वहाँ पे 37 होना चाहिए था, वहाँ पे 13 दिया है। पिछली बार कौन कौन से सब्जेक्ट में आप फेल थे? पिछली बार फिजिक्स केमिस्ट्री था सर, यस सर, उसमें 4 नंबर दिया था और फिजिक्स में 3 नंबर मिला था सर, मेरा ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर था। इस तरह लगातार दूसरी साल ये फेल हुए हैं। पिछली साल इन्होंने आईआईटी मेंस क्लियर किया था ऐसा इनका दावा है और इस बार भी इन्हें 3 सब्जेक्ट्स में फेल किया गया। तो ऐसे भी छात्र हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि आईआईटी जैसा पेपर का मेंस उन्होंने क्लियर किया लेकिन बिहार बोर्ड ने उन्हें फेल कर दिया। कॉपियां जांचने में खामी की शिकायत पूरे बिहार से आ रही है लेकिन बिहार बोर्ड की वेबसाइट ही ठप है, छात्र ऑनलाइन स्क्रूटनी के लिए आवेदन ही नहीं कर पा रहे हैं। रिजल्ट की शिकायतों को दूर करने के लिए बिहार बोर्ड ने स्क्रूटनी की सुविधा उपलब्ध कराई है छात्रों को। 9 जून से स्क्रूटनी के लिए आवेदन मांगा जा रहा है और बकायदा जिन छात्रों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर कर लिए हैं उनके लिए एक विशेष सुविधा दी गई है जो कि मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि ऐसे छात्र जिन्होंने किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि नीट या फिर जी मेन क्वालिफाई कर लिया है वो बिहार बोर्ड की इस वेबसाइट पर जाकर कॉलम भर सकते हैं और उनकी कॉपियों की स्क्रूटनी जल्द की जाएगी। लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो बिहार बोर्ड की जो वेबसाइट है वो खुल नहीं रही है और इसका साफ साफ कहा जा रहा है कि सर्विस अभी अनअवेलेबल है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड इस वक्त सवालों के घेरे में है कि जिस तरीके से छात्र परेशान है, आज रविवार का दिन है उसके बावजूद छात्र इस कड़ी धूप में अपने रिजल्ट को लेकर परेशान है लेकिन बिहार बोर्ड की वेबसाइट तक नहीं खुल रही है। मेरे सहयोगी विशाल राय के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़, पटना।